हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल डोंट मिस जीके में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिहार के समस्तीपुर जिले में कुल कितने गांव, तहसील, ब्लॉक और जनसंख्या है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही छोटा है, आप इसे पूरा देखें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। समस्तीपुर जिला जो है भारत के बिहार राज्य का एक जिला है। इसे दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत 14 नवंबर 1972 को एक स्वतंत्र जिला बना दिया गया। समस्तीपुर जिले का मुख्यालय जो है वो समस्तीपुर जिले का मुख्यालय भी है, और समस्तीपुर जो है परंपरागत नाम सरैशा है। कुछ लोगों का मानना है कि इसका प्राचीन नाम सोमवती था, जो बदलकर सोमवस्तीपुर और फिर समवस्तीपुर और बाद में समस्तीपुर हो गया। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें समस्तीपुर जिले में वर्तमान में कुल कितने अनुमंडल हैं, तो समस्तीपुर में वर्तमान जिले में 4 अनुमंडल हैं। समस्तीपुर जिले में कुल कितने अचल हैं, यानी कुल कितने तहसील हैं, तो समस्तीपुर जिले में कुल 20 अचल यानी 20 तहसील वर्तमान में हैं। समस्तीपुर जिले में एक नगर निगम है जिसका नाम है समस्तीपुर, और यहाँ पर अगर हम ब्लॉक की बात करें यानी प्रखंड की बात करें तो समस्तीपुर जिले में कुल कितने ब्लॉक हैं। समस्तीपुर जिले में कुल 20 प्रखंड यानी 20 ब्लॉक हैं, 4 नगर परिषद हैं जिनके नाम हैं रोसड़ा, दलसिंह सराय, ताजपुर, पटोरी। ये 4 नगर परिषद हैं समस्तीपुर जिले में। समस्तीपुर जिले में वर्तमान में कुल कितने गांव हैं, तो समस्तीपुर जिले में वर्तमान में 1260 राजस्व गांव हैं, यानी 1260 राजस्व गांव हैं समस्तीपुर जिले में वर्तमान में। और समस्तीपुर जिले में वर्तमान में कुल 346 ग्राम पंचायत की संख्या है। और यहाँ पर अगर हम जनसंख्या की बात करें तो समस्तीपुर जिले में कुल कितने जनसंख्या है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी 42,54,782 है। और समस्तीपुर ज़िले में 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी बिहार के समस्तीपुर जिले के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं कुछ नया लेके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।